फ्रेंड्स, यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो लोग भी दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले समय में आने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक बड़ी खबर है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें यदि आप आने वाले समय में दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले हैं, क्योंकि ये न्यूज़ आपके बहुत ही काम की रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज यानी 8 अगस्त की डेट आ चुकी है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए 8 अगस्त से एक नया रूल जारी हो गया है। इस नए रूल के तहत जो भी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाला है या फिर आने की तैयारी कर रहा है, उसको 3 दिन पहले ही अपने आप को दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा जारी किए गए इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा। हम अभी आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप बने रहें और वीडियो को अभी लाइक कर दें। यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहां पर आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन दिखेगा। सबसे राइट टॉप में आपके सामने एयर सुविधा का ऑप्शन दिख रहा होगा। उस एयर सुविधा के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, सेल्फ रिपोर्टिंग और अप्लाई फॉर एग्जम्पशन। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर अप्लाई फॉर एग्जम्पशन वाले ऑप्शन को। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल और आपको यहाँ पर अपने पासपोर्ट की कॉपी, अपने मेडिकल के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर डालने पड़ेंगे और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आपको इसे सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको सबमिट कर देंगे वैसे ही आप क्वारंटाइन के लिए, एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर चुके होंगे। आपको यहाँ पर थोड़े समय वेट करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से सूचना दी जाएगी कि आपको क्वारंटाइन के लिए अप्रूवल मिला है या फिर नहीं। ये काम आपको फ्लाइट लेने से 3 दिन पहले करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म के बारे में जो कि पैसेंजर्स को भरना है। ये वही पैसेंजर्स को भरना है जो यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। जैसे ही आप सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने ये एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे आपके CRN नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर, फ्लाइट नंबर, PNR नंबर पूछा जाएगा। आप जैसे ही अपनी ये सारी डिटेल एंटर कर देंगे वैसे ही आपसे आपकी पूरी डिटेल जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी सारी डिटेल वेबसाइट में पूछी जाएंगी। इसमें आपके आपसे ट्रैवल से रिलेटेड आपके घर का एड्रेस सब कुछ पूछा जाएगा, यहाँ तक कि आपके पासपोर्ट की कॉपी भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। आप जैसे ये सारी डिटेल एंटर कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और सबमिट करते ही आपका यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये काम आपको फ्लाइट में चढ़ने से पहले करना पड़ेगा यदि आप भारत में आना चाहते हैं और ख़ास करके दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरना चाहते हैं। तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। दिल्ली एयरपोर्ट ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन इसलिए लेकर आई है क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में दिल्ली एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसेंजर्स आने वाले हैं, जिसको देखते हुए ही एयरपोर्ट पर कम भीड़ हो इस कारण से ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन कर आया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी मिल गई होगी। दिल्ली एयरपोर्ट के वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर एक बार विजिट कर लें एंड सारी डिटेल खुद से चेक कर लें कि आपको क्या क्या डिटेल्स लगेंगी एंड कैसे कैसे आपको पढ़ना है। उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करके जाएं और दूसरे लोगों को जरूर पहुंचाएं जो भी इस समय भारत में आना चाहते हैं।